अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी एक फ्रेंड ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्लेन केक या टी केक बनाना सिखा दें, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं केक बना रही हूँ घर पे। आप इसे फ्रूट केक भी बोल सकते हैं, टी केक भी बोल सकते हैं, और अगर आपके पास नट्स वगैरह नहीं है तो आप इसे बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, मेजरिंग स्पून के साथ मैंने मैदा मैयर किया था। ये 1 कप मैदा है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप 1 कप भी ले सकते हैं, और अगर इसे आप स्पून के साथ मेजर करते हैं तो ये 10 स्पून्स बनते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये वाले स्पून नहीं है तो आप टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। 10 टेबल स्पून भर के आप मैदे के ले लीजिएगा। और बस ये देखिए, मैंने इसे छलनी के ऊपर डायरेक्टली डाल रही हूँ इस तरह से। ये 10 टेबल स्पून मैदे के हो गए, और इसके साथ टीस्पून मैंने लिया है। ये टीस्पून मेजरिंग वाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा टीस्पून जो आपके घर में होता है वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का मैंने डाला है इसमें, और ये देखिए 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया है। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही शामिल करेंगे, और थोड़ा सा फूड कलर है, येलो फूड कलर या जर्दा कलर, और 1 पिंच सॉल्ट का है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इनको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। और ये देखिए, छोटी छलनी के साथ मज़ीद मैं इसे अच्छी तरह से छान रही हूँ ताकि इसमें एयर जो है वो शामिल हो जाए। छानने से आपका एक फ़ायदा होगा कि आपका केक बहुत अच्छा फूलेगा। तो 4-5 मरतबा मैदे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। और ये देखिए, बड़ा एक बाउल ले लें आप, उसमें आप 3 अंडे शामिल करेंगे सबसे पहले। सब चीज़ें मैं रूम टेम्परेचर पे ले रही हूँ, कोई भी चीज़ फ्रिज से नहीं निकाल के आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और ये देखिए, पिसी हुई चीनी है मेरे पास, मैंने घर के सिंपल जो चीनी होती है उसका पाउडर बना लिया था। और ये भी 10 टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी, जितना मैदा है उतनी ही चीनी है। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल केक है, बहुत आसानी से बन जाता है। बिगिनर्स भी इसे बना सकते हैं, और बच्चे ख़ासतौर पर बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिए, 10 टेबल स्पून चीनी के हो गए, ये इसमें शामिल कर दूंगी, और इसे बीटर के साथ हम बीट करेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2-3 मिनट इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे, फुल स्पीड कर लीजिएगा बीटर की। ये देखिए, इसका कलर भी लाइट हो गया है और फ्लफ़ी सा हो गया है अंडा और चीनी का मिक्सचर। तो बस इसे 2-3 मिनट मैंने बीट किया है अच्छी तरह से। और ये 1/2 कप ऑयल का है, आप छोटा जो टी कप होता है आपका वो भी आप मैयर करके 1/2 कप डाल सकते हैं। और फिर इसे मज़ीद मैंने 0.5 मिनट बीट किया है अच्छी तरह से, जब तक ये ऑयल इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये वनीला एसेंस है, ये मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ इसमें। आप चंद ड्रॉप भी डाल सकते हैं इसके, अगर आपको फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखें, टूटी फ्रूटी मेरे पास रखी हुई है ग्रीन और रेड कलर में, जो चना व मैदा और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स थे उसके अंदर मैंने ये नट्स, टूटी फ्रूटी और रेजन्स जो थे मेरे, ये दोनों चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से मैदा कोट कर रही हूँ इसके ऊपर। मैदा कोट करने से ये होगा कि ये बॉटम में नीचे जाके नहीं बैठते केक के साथ। तो बस ये तमाम चीज़ें भी इसमें कोट करने के बाद शामिल कर दी हैं मैंने। और अब हम बीटर यूज़ नहीं करेंगे, अब आप इसे जस्ट मिक्स करेंगे स्पैचुला के साथ, सॉफ्ट हैंड के साथ, बहुत हल्के हाथों के साथ। देखिए मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें आप, इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाती है सपोज़, तो आप घबराएं नहीं, आप इसमें 1-2 चम्मच दूध के शामिल कर सकते हैं, जो भी जो रूम टेम्परेचर का दूध होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने पैन लिया है केक बनाने के लिए, इसे मैंने बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें पोर करके इसे शेल्फ पर अच्छी तरह से टैप कर रही हूँ ताकि इसमें से एयर बबल्स रिमूव हो जाएँ। और ये ड्राई कोकोनट है, ये इसके ऊपर डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, रोस्ट हो जाता है जब केक बेक करते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इसके साथ साथ ये मैंने बादाम और पिस्ता काट के रखा हुआ है थोड़ा सा, ये इसके ऊपर सजावट के लिए डाल रही हूँ।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसके ऊपर। और अवन को मैंने आधा घंटा पहले ही प्री हीट कर लिया था, ऑन कर दिया हुआ था, और 200 डिग्रीज़ पे मैंने इसे रखा हुआ इसका टेम्परेचर, और बस इसे 25 मिनट्स लगेंगे बेक करने के लिए मैंने रख दिया है। मीनवाइल एक दफ़ा मैं चेक कर लूँगी सेंटर में कि हो सकता है कि जल्दी बेक हो जाता है समटाइम्स, तो फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। ये देखें 25 मिनट्स के बाद कितना ज़बरदस्त बेक हो गया है, और नारियल का जो बुरादा मैंने डाला था उसको उसने देखें बहुत अच्छा सा कलर दे दिया इसके ऊपर। और नाइफ़ के साथ इसके साइड से अलग कर लेंगे किनारे, और ये देखिए मैं इसे निकाल के भी दिखाती हूँ आपको। बहुत गर्म है इस वक्त, देखें कितना ज़बरदस्त इसके नीचे से बेस भी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, और जो इसमें टूटी फ्रूटी डाली थी वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना सॉफ्ट है। अभी बहुत गर्म है, आप कोशिश करें कि इसे आधा घंटा छोड़ दें उसके बाद इसे कट करें। मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैं अभी ही इसे कट करके दिखा रही हूँ स्लाइस करके आपको, अदरवाइज़ आप इसे आधा घंटा रख दें। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हुआ है अंदर से, और टूटी फ्रूटी और रेजन्स जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो बस इसी रेसिपी से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपके पास नट्स वगैरह नहीं है तो आप बिल्कुल प्लेन रख के इसी रेसिपी को आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।